अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आज हरियाणा की एक ऐसी धरोहर जो लुप्त होने के कगार पर है। एक समय था जब हरियाणा के कलाकारों का बोलबाला हुआ करता था और हरियाणवी सांग का अपना ही एक रुतबा हुआ करता था। हरियाणा में जब भी किसी भी क्षेत्र में सांग होता था तो वहां पर हजारों में लाखों की संख्या में दर्शक सांग देखने को उमड़ पड़ते थे। लेकिन आज बदलते समय के दौर में सांग की यह हरियाणवी धरोहर लुप्त होती जा रही है। लेकिन आज ऐसे भी कुछ कलाकार हैं जो इस धरोहर को संजोए हुए हैं। बरवाला क्षेत्र में चल रहे सांग के दौरान उन हरियाणवी कलाकारों से हमारे संवाददाता कुलदीप सोनी ने बरवाला में विशेष बातचीत की और उनसे जाना कि हरियाणवी सांग जो आज लुप्त होता जा रहा है उसे आगे बढ़ाने के लिए वे क्या कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि वे जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं। उनका मानना है कि सांग के दौरान अगर महिला कलाकारों की भी भागीदारी होगी तो यह आज फिर से जीवित हो उठेगा। हमारे संवाददाता कुलदीप सोनी बरवाला ने हरियाणा की उभरती कलाकार आशु चौधरी और सुमन गोस्वामी से विशेष बातचीत की। आइए दिखाते हैं कि उन्होंने क्या कहा। बात करते हैं हरियाणा के मशहूर कलाकार आशु चौधरी जी और सुमन गोस्वामी जी से। सुमन जी, आप ये बताएं कि आप इस कला के क्षेत्र में कितने समय से हैं? मैं जी यही बस 8-9 महीने से इस लाइन में आई हूँ और मुझे इस लाइन में आके बहुत अच्छा लगा। इस कला के क्षेत्र में क्या सोच के आपने कदम रखा? जिस सोच के जैसे कि हरियाणा में हमारे और कलाकार हैं उनको देख देख के हमें बहुत अच्छा लगा। जो भी कर रहे हैं वो बहुत बढ़िया कर रहे हैं और जो कर रहे हैं कि वो गलत नहीं है। कुछ भी दुनिया की सोच गलत है और वो गलत नहीं है। जो ये लाइन है ये बहुत बढ़िया लाइन है, कुछ भी गलत नहीं है इसमें। तो मैं इसी सोच के भाई हम भी कुछ बने इसमें, कुछ इस दुनिया में जो आए तो कुछ करके दिखाएं। हम भी यही सोच के आए इस लाइन में जी। आजकल युवा वर्ग जिसमें युवा भी हैं युवती भी हैं पढ़ लिख के अच्छी नौकरियों की तरफ भागते हैं। हाँ जी। क्या आपका मन भी सरकारी नौकरी करने का है या इस कला के अंदर रहकर कला को भी करने का है? जी साथ में देखो जो कुछ कर रहे हम पढ़ लिख रहे उसके हिसाब से, तो जो नौकरी मिल जाए तो हम नौकरी भी कर लेंगे जी, और जो इस लाइन में है जो हमारी कला है तो हम ये भी करेंगे जी। तो सरकार से आप क्या चाहोगे, जैसे अन्य खिलाड़ियों को अन्य विजेताओं को भी सरकार ग्रेस मार्क देकर सरकारी नौकरियों में प्राथमिकता देती है, तो कलाकारों को भी प्राथमिकता मिलनी चाहिए सरकारी नौकरी में, आप ये क्या चाहोगे? जी मैं तो यही चाहूंगी कि जो हमने पढ़ाई कर रखी है, जो भी हमने कोर्स करे डिप्लोमा करे हैं, तो हमें नौकरी मिलनी चाहिए। जो भी हमने जो भी कुछ करे है तो हमें कुछ करके दिखाना चाहिए इस लाइन। मतलब सरकार कलाकारों की तरफ भी ध्यान दे। कलाकारों की तरफ ध्यान दे। हमारे पास भी देखो भी ये इतनी मेहनत कर रहे हैं तो इनमें जो पढ़ाई पे जोर लगा रखा है तो इनको भी कुछ न कुछ करके दिखाए। मतलब कलाकारों के लिए भी एक विशेष कोटा होना चाहिए नौकरियों में, होना चाहिए जी। तो आप क्या संदेश देना चाहेंगे? तो यही है जी, हमारी सरकार से दुआ है जी कोई जो भी कलाकार हैं तो उनकी तरफ देखें। धन्यवाद। थैंक यू। बात करते हैं कलाकार आशु चौधरी जी से। आशु जी आप बताएं, आप इस कला के क्षेत्र में कितने समय से आए? जी मुझे लगभग 2 साल हो गया है इस लाइन में। तो इस कला के क्षेत्र में आप आने के बाद आपने क्या महसूस किया? महसूस तो बहुत कुछ किया है, अगर सच पूछो तो मैं कई जगह गई, लेकिन सभी ने सोचा कि इसके साथ कुछ गलत करें, कुछ अलग सा हो, लेकिन मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। जगह जगह गई लेकिन कोई अच्छा इंसान नहीं मिला। फिर किसी बंदे ने मेरे को बताया कि धर्मवीर जी है बहुत अच्छे कलाकार हैं, आप उनके पास जाओ। तो उनके पास आई, मुझे एक परिवार जैसा माहौल मिला और मैं खुश हूँ बहुत यहाँ के, मुझे कुछ अच्छा सीखने को मिला। तो अभी आपका मतलब मेन लक्ष्य क्या है जिंदगी में? मेन लक्ष्य ये है कि मैं एक अच्छी कलाकार बनूं, अगर अच्छे कलाकार के साथ रहूंगी तो मैं भी अच्छी बन जाऊंगी। तो आप पढ़ी लिखी भी हैं? हाँ जी, मैंने बीए कर रखी है। और आपको अगर सरकार नौकरी में वरीयता देती है तो क्या आप नौकरी करना भी पसंद करेंगे? हाँ जी बिल्कुल। कैसा महसूस होगा उस समय आपको? मैं गर्व महसूस करूंगी, मुझे अच्छा लगेगा कि मुझे नौकरी भी मिले और धर्मवीर जैसे अच्छे गुरु मिले। तो आप धर्मवीर सांगी जी जो हैं भगाना गांव के हैं, हाँ जी, इनके पिता चंदगी राम जी भी बड़े प्रमुख रहे हैं हरियाणा में, हाँ जी बिल्कुल, आज आप इनके साथ जुड़े हैं, हाँ जी, तो आपको बेहद खुशी महसूस हो रही है? हाँ जी बहुत खुशी महसूस हो रही है। तो आपको यहाँ इनके साथ रहना कितना खुशी का महसूस है, थोड़ा बखान करके बताइए। मेरे को तो ऐसा लग रहा है जैसे मैं अपने पापा के। जी सुमन जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आज की जो युवा पीढ़ी है वो लोक कलाकार हैं,
वो नए नए तरीके से अपनी प्रतिभा को दे रहे हैं और बॉलीवुड की तरफ भी भाग रहे हैं, लेकिन आप सांग की तरफ आए हैं, आपने सांग को ही क्यों चुना? अगर जी आप सच पूछो तो ये हरियाणा की पुरानी संस्कृति है। मैं चाहती हूँ कि मैं एक अच्छी कलाकार बनूं, हरियाणा में पहला सांग करने वाली लड़की बनूं। जो सांग होते हैं उसमें लड़के लड़की की भूमिका निभाते हैं, लेकिन मैं चाहती हूँ कि लड़कियां आगे आएं, क्योंकि लड़कियां हर क्षेत्र में आगे हैं। तो मैं सोच रही हूँ कि लड़कियां मैं भी इसमें आगे आ जाऊं। और आजकल की जो युवा पीढ़ी है वो इसको पसंद नहीं करती, हरियाणवी संस्कृति लुप्त होती जा रही है। हम लड़कियां आगे आएंगे तो कुछ फर्क पड़ेगा दुनिया। मतलब आपका कहना जो सांग लुप्त होते जा रहे हैं, हाँ जी, अगर महिलाओं की भागीदारी होती है तो सांग फिर से जीवित हो जाएगा। हाँ जी, फिर से जीवित हो जाएगा। आप बताइए जी, इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगी सुमन जी? जी मैं तो यही कहना चाहूंगी कि जो हम लड़के हैं, जो हरियाणा में जो स्टेज प्रोग्राम कर रही है, रागनी प्रोग्राम कर रही है, जो भी डांस जो भी चल रहा है हरियाणा में, अपने पब्लिक खुश होकर देख रही है उसको, तो हम यही चाहते हैं कि जो भी हम इस लाइन में आए, जो सांग चल रहे हैं अपने पुराने रीति रिवाजों के, तो हम इसमें कोई नहीं देख रहे, इसको जेंट्स देख रहे हैं, जो पसंद करे, तो आप पसंद नहीं कर रहे लेडीजों को, कोई भी नहीं कर रहा। तो हम यही चाहते हैं कि इसमें आकर हम लेडीज जो भी महिला है वो भी है, तो हमारा नाम ऊंचा करना चाहिए। जो भी सांग में आई है तो हम पहले की हरियाणा लेडीज हैं, मैं हूं सुमन गोस्वामी जो इसमें अपना नाम कमाना चाहती हूं। बरवाला से कैमरामैन रोहित सोनी के साथ कुलदीप सोनी बरवाला की रिपोर्ट, हर न्यूज हरियाणा।